देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। पिछले चार दिनों के ताबड़तोड़ हमले के बाद क्या है यूक्रेन के हाल, आइए जानते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पिछले चार दिनों के ताबड़तोड़ हमले के बाद भी यूक्रेन ने रूस को कीव के बाहर रोक रखा है। इसी बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए सबसे कठिन होने वाले हैं। वहीं G7 नेताओं ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से बात की। उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ लड़ाई में सभी देश यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे। वहीं रूसी हमलों में यूक्रेन के 352 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है, इसमें 14 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन पर रूस के मामलों के समर्थन में अब बेलारूस भी मैदान में उतरेगा। आपको बता दें, अमेरिका अधिकारियों का कहना है कि रूस के समर्थन में बेलारूस भी अपने सैनिकों को यूक्रेन की जंग में उतारने जा रहा है। वह सोमवार से ही सैनिकों को यूक्रेन में भेजना शुरू कर देगा। यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विशेष आपात सत्र बुलाया है। सुबह 10 बजे से UNGA की आपात बैठक शुरू होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतिहास में यह 11वां मौका है जब विशेष आपात बैठक बुलाई गई है। रूस की तरफ से कीव पर कब्जे के प्रयास और भी तेज हो रहे हैं। सोमवार सुबह सुबह कीव और खारकीव में फिर से दो बड़े धमाके हुए हैं। आपको बता दें, यूक्रेन में फंसे 249 अन्य भारतीयों छात्र को लेकर 5वीं फ्लाइट दिल्ली पहुँच गयी। यह फ्लाइट करीब 6:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई। अब तक करीब 1100 से ज्यादा भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकाला जा चुका है। ओरियोकूवका में दाखिल हो चुकी रूसी सेना को रोकने के लिए आम लोग सामने आ चुके हैं। आम लोग रूसी टैंकों के सामने खड़े होकर टैंकों को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए यहाँ की साल 2015 में मिस यूक्रेन का खिताब जीत चुकी ब्यूटी क्वीन अनस्तासिया लेना कथित तौर पर रूसी आक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेनी सेना में शामिल हो गई हैं। उन्होंने बंदूक उठाकर और मिलिट्री यूनिफॉर्म में तस्वीर पोस्ट कर रूस के राष्ट्रपति पुतिन को ललकारा है। कहा उन्होंने अपने घर की रक्षा के लिए हथियार उठाया है। वहीं यूक्रेन के साथ जारी जंग और अमेरिका व अन्य यूरोपीय देशों के साथ तनातनी के बीच रूस की मुद्रा रूबल यानी रशियन करेंसी रूबल में एक बार फिर से बड़ी गिरावट आई है। करेंसी मार्केट में डॉलर और येन जैसी सुरक्षित करेंसीज की डिमांड तेज हो गई है। रूबल आज के कारोबार में डॉलर के मुकाबले करीब 20% गिरकर 119 पर आ गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जारी लड़ाई के बीच रविवार को परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। इससे इन्वेस्टर्स के बीच अफरा तफरी पसर गई है और वे सुरक्षित निवेश की ओर भागने लगे। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का असर अब साफ दिखने लगा है। रूस में ATM के सामने लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। रूस के आम लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं बाद में उनका बैंक कार्ड काम करना बंद ना कर दे या पैसों की निकासी पर लिमिट ना लग जाए। इस कारण लोग ज्यादा से ज्यादा कैश निकाल रहे हैं। दूसरी ओर करेंसी की वैल्यू गिरने से रूस में महंगाई चरम पर पहुंचने का खतरा भी है। और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए केंद्र सरकार ने उठाए कड़े कदम। केंद्र के 4 मंत्री जाएंगे यूक्रेन के पड़ोसी देशों में ताकि वहां पर फंसे भारतीय लोगों को भारत वापसी में आसानी हो। आज के लिए बस इतना ही। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे महायुद्ध की पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए खबर टुडे न्यूज।